subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. राजस्थान की राजनीति फिलहाल आरसीए अध्यक्ष पर केंद्रित हो गई है। आरसीए की कुर्सी को लेकर मानो घमासान ही मच गया। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी ने सीधे तौर पर सूबे के सीएम अशोक गहलोत को जो खरी खोटी सुनाई कि उसे देखकर हर कोई दंग ही रह गया। आइए आपको भी सुनाते हैं कि नाराज डूडी ने गहलोत को क्या क्या कहा। रोक लिया जाता है, उन पे लाठियां बरसाई जाती है, पुलिस बल जिस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं ये तानाशाही रवैया है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र की कम्प्लीटली हत्या करने का जो काम कर रहे हैं ये प्रदेश की जनता कभी जो है माफ नहीं करेगी और कभी इस बात को सहन नहीं करेगी। आपका अगला कदम क्या रहेगा सर? और मेरे को जो सुरक्षा मिली हुई है सुरक्षा वालों को भी अंदर नहीं आने दी। ये सारे के सारे इनके रचे रचे हैं, खेल है सर। और इस तरीके से जो कर रहे हैं ये आपने भली बात निश्चित हो, रात को 2:30 बजे लिस्ट जारी करना और पूरे 22 होकर किसको उड़ाना है। रामेश्वर डूडी का जिला नागौर उसको डिसिप्लिनेट कर दिया क्योंकि हमारे जो जिला संघ थे उनको ये डर लग रहा था और उनको हारने का पूरा डर था और उसी तहत ये साजिश रची गई और उस साजिश के तहत सारा का सारा काम। हम जब तक जो है ये फैसला आएगा, जब तक मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे जिला संघ जो इन्होंने डिसिप्लिनेट किया है और जो इस संस्था से बाहर किए हैं, जिलों को जो है निकाला है, उन जिलों का कहीं कोई जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत वो बिल्कुल आज स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूरी डिक्टेटरशिप के तहत पूरे तानाशाही रवैये के तहत इनको बाहर किया है, उनको जो है अब जब तक लड़े लड़ते रहेंगे जब तक वो संस्था के अंदर वापस। रामेश्वर डूडी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने तानाशाही की है। उन्होंने सीपी जोशी को भी आड़े हाथों लिया और इसे लोकतंत्र व प्रजातंत्र की हत्या करार दिया। यानी कुल मिलाकर राजस्थान पर आरसीए को लेकर सियासी खेल शुरू हो गया है। अशोक गहलोत, रामेश्वर डूडी, सीपी जोशी की तल्खियां किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में ये सियासी संग्राम आगे क्या रूप लेता है ये देखने वाली बात होगी। टीम खबर अपडेट।